हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज मैं खंडवा जंक्शन पर आया हूं और यहां पे गाइज आपको एक रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट आई है, उसकी जानकारी दूंगा। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि जो फुट ओवर ब्रिज है वो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 को ही जोड़ती है, जो आप सामने देख पा रहे होंगे। लेकिन उस फुट ओवर ब्रिज अब ये जो नया प्लेटफॉर्म बन रहा है उस वहाँ तक एक्सटेंड करने का रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आया है। तो गाइज, आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं आगे आके। गाइज, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये खंडवा का प्लेटफॉर्म नंबर जो है गाइज जो 6 है, जो कि नया प्लेटफॉर्म बना है। इस पर अभी ट्रेनें नहीं रुकती है, पैसेंजर ट्रेनों को नहीं रोकी जाती है। और गाइज, जो वो सामने आप देख रहे होंगे एक फुट ओवर ब्रिज जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को जोड़ती है, और उसी फुट ओवर ब्रिज को अब जो है गाइज ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक एक्सटेंड किया जाएगा, यानी बनाया जाएगा। और जिसका है गाइज जो भुसावल मंडल है वो टेंडर जो है अभी जारी कर देगा, और अभी जो इंजीनियर वगैरह है मैपिंग करेंगे कि कहाँ से कैसे क्या है, उसकी डिजाइन वगैरह कहाँ से इसको कहाँ पे गिराना चाहिए इधर लाके। और गाइज, उसके बाद 2 से 3 महीनों में टेंडर जारी कर दी जाएगी यहाँ पे। तो गाइज, जो ये फुट ओवर ब्रिज बनेगा उसमें रैंप भी लगे रहेंगे और एस्केलेटर भी लगे रहेंगे, यानी पूरा मॉडर्न डिजाइन बनाया जाएगा गाइज, एकदम नए लुक में रहेगा वो। और ये गाइज, ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 जो है उसके बाद जो है गाइज प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जो है ट्रेनें को, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उसको रोकने का काम भी चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 जो है लगभग 90% काम हो ही गया है, बनकर तैयार हो ही गया है। लेकिन जो है गाइज अभी जो है यहाँ पे पैसेंजर ट्रेनें नहीं रोकी जाती है, लेकिन जब ये जो फुट ओवर ब्रिज जो बनेगा जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 को 1, 2 और इधर 6 से भी कनेक्ट कर देगा गाइज, तो उसके कारण क्या होगा कि इस प्लेटफॉर्म को ये रेलवे यूज कर पाएगा ट्रेनों के लिए। और साथ ही गाइज, इधर स्टेशन का लुक देने के लिए जो इधर पुरानी क्वार्टर है, रेलवे ऑफिस को नहीं, बस जो पुरानी क्वार्टर है उसको तोड़ के एक सर्कुलर एरिया बनाया जाएगा, जहाँ पे छोटा सा गार्डन उडन के रूप में और खंडवा जंक्शन एंट्री गेट और जो एक एग्जिट गेट होता है, एंट्री गेट होता है, निकास गेट, वो बनाया जाएगा, एक स्टेशन का लुक दिया जाएगा। तो इसके लिए भी जो भुसावल मंडल है वो टेंडर जारी कर चुका, और ये जो है ये जो पुराने क्वार्टर है इस एरिया में उसको तोड़कर और एक स्टेशन का लुक दिया जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, जिसको गाइज इधर जो है आप जो पुलिस लाइन है उधर से सीधे चर्च जो पड़ता है एक तीन पुलिया के पास, वहां से सीधे आप एक छोटी सी रोड आप सामने देख पा रहे होंगे, वहां से आके इधर स्टेशन में जो है गाइज एंट्री कर सकते हैं और यहां पे आप ट्रेन पकड़ सकते हैं आके प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। लेकिन गाइज, पहले उसके लिए फुट ओवर ब्रिज जो है नए लुक में बनाया जाएगा। तो गाइज, इसके लिए आपको ZRUCC के सोनी को और जो खंडवा के सांसद है ज्ञानेश्वर पाटिल, उनको धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने जो है भुसावल मंडल के DRM के साथ मीटिंग करके रेलवे बोर्ड के थ्रू ये पास करवा लिए कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 तक अभी फुट ओवर ब्रिज है वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक उसको बनाया जाए, और साथ ही जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 को खंडवा जंक्शन के रूप में, जो आप जैसा एक स्टेशन का रूप होता है, स्वरूप होता है आगे से फ्रंट का, वो दिया जाए। तो गाइज, ये आप धन्यवाद देना चाहिए उन दोनों को अपने को। तो गाइज, आपको भी एक बार फिर से हम दिखा देते हैं कि कहाँ पे काम होगा। तो गाइज, जो सामने जो फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं उसी को यहाँ पे एक्सटेंड करके बनाया जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक, तब जाके रेलवे जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 का यूज कर पाएगा। तो गाइज, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और बने रहिए इसी तरीके की वीडियो के लिए। जब तक के लिए गाइज, जय हिंद।